हेलो पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केम विजुअल। पिला माने फिजिकल केमिस्ट्री रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होची यूनिट कन्वर्जन। कोन बिना फिजिकल केमिस्ट्री तो माने बहुत गुडे क्वांटिटी पढ़ो, जो क्वांटिटी गुडा करो यूनिट कन्वर्जन न जानिथिले तो माने क्वेश्चन सॉल्व करि परबोनी। खास करके जितेबेला तो माने न्यूमेरिकल को अप्रोच करो, न्यूमेरिकल रे ए यूनिट कन्वर्जन गुडा बहुत बेसी यूज होए। सेति पई से यूनिट कन्वर्जन गुडा को हम ए वीडियो माध्यम रे डिस्कस करबा को जाउ छु। आ सब किछि यूनिट कन्वर्जन को मो ट्राई करबी जो गुडा जनरली हमर फिजिकल केमिस्ट्री यूज होउची ताको कवर करबा पई। सेति पई पिला माने वीडियो टिकु स्टार्टिंग रु लेकी एंड जाय देखो। आ जो भी पिला माने चैनल रे नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पिला माने जेमति कि तुमने जानि छो हमें गोटे हाइड्रोजन बेच लॉन्च कर छु। से हाइड्रोजन बेच रे सीपीईटी किबा सीयूईटी पीजी पई हमें गोटे कोर्स प्रोवाइड कर छु, जोटी कि पिला मान को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो ता सहित चैप्टर वाइज टेस्ट मध्य मिलता है। जदि तुमने से हाइड्रोजन बेच रे ज्वाइन करबा पई चाहौ छो ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे कांटेक्ट नंबर दिया छि, से कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करकी तुमने हाइड्रोजन बेच रे ज्वाइन कर परिबो। एबे पिला माने एई वीडियो रे हमें डिस्कस करबा को जाउ छु फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट कन्वर्जन विषय रे। आ फिजिकल केमिस्ट्री मेनली प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी वर्क डन लेंथ ए सब रो यूनिट कन्वर्जन बहुत बेसी यूज होता है। तो से सब यूनिट कन्वर्जन को ये वीडियो माध्यम रे मो डिस्कस करबी पूरा फुल एनर्जेटिक है कि तुम माने वीडियो को स्टार्टिंग रु नै कि एंड जाय देखो। आ जेंति कि सब वीडियो रे मो तुम मान को कह रखे कि हम किछ स्टोरी सुनु कि बसे कि देखिबा पेन कॉपी नै कि बस जाओ। जो यूनिट कन्वर्जन गुडा को मो डिराइव करूची ताको निजे मध्य लिखि कि ट्राई करबो कि कांसेप्चुअली तुम माने क्लियर होइबा पे जा द्वारा कि सही यूनिट कन्वर्जन को तुम न्यूमेरिकल रे यूज करि परिबो। तो एबे सबटु फर्स्ट हमें कोन डिस्कस करबा को टॉपिक को कवर करबा ताको कोइ रखिबे पिला माने। तो पिला माने जदि ई वीडियो टिकु तुम माने स्टार्टिंग रो नै कि एंड जाय देखु जो ताले फिजिकल केमिस्ट्री रो न्यूमेरिकल उडा को बहुत इजीली तुम माने हैंडल करि परिबो, यूनिट कन्वर्जन को नै कि किछि भी प्रॉब्लम होबो नै। तो एटा हम एही टॉपिक गुडा कवर करबा जेंति कि सबटु फर्स्ट होजी बेसिक यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेंपरेचर लेंथ टेम्परेचर एनर्जी वॉल्यूम प्रेशर जोड़ा कि तुमनकर सब बेले किछटा इंपोर्टेंट टॉपिक जो गुडा अछि तुमनकर फिजिकल केमिस्ट्री रे ई यूनिट कन्वर्जन गुडा यूज होए। जेंति कि तुमने जान जो प्रेशर रो बहुत गुडा यूनिट था एटमॉस्फेयर बार तार सहित तुमनकर टॉर एमएमएचजी सब गुडा रो यूनिट कन्वर्जन बतेबी। एनर्जी रे पिला माने जूल जानि जो और जानि जो लीटर एटमॉस्फेयर लीटर बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब गुडा को हम डिस्कस करबा बहुत डिटेल्स बारे। तापर वैल्यू ऑफ सम कांस्टेंट यूज इन फिजिकल केमिस्ट्री किछि यूनिवर्सल कांस्टेंट मध्ये यूज करो फिजिकल केमिस्ट्री जेंति कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हे गला प्लैंक्स कांस्टेंट हे गला एवोगाड्रोस नंबर हे गला वेलोसिटी ऑफ लाइट हे गला ई सब गुडा को हम डिस्कस करबा। तो पिला माने सबटु फर्स्ट हम मान को सामने रे अछि बेसिक यूनिट कन्वर्जन लेंथ रो। जेंति कि तुम माने जान जो देता बडा भी तुम माने डिस्टेंस रो मेजरमेंट करो सेता बा लेंथ यूनिट यूज करो। किछि स्मॉल लेंथ था किछि बहुत बिग लेंथ था जेंति कि तुम मान को कहि व्यक्त दिया वायरस मान को तुम माने रेडियस बार करबा पई चाहौ छ तांकर रेडियस ता बहुत छोटो था से स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो तो माने डिस्टेंस बा लेंथ और लेंथ को मेजर करिया पे किछि स्मॉल क्वांटिटी बा किछि फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी गुडा को यूज करो। सेमते बिल हमने एटू मु जदी गुडे बहुत लंबा डिस्टेंस को मेजर करबी ताले मु किलोमीटर यूज करबी गीगामीटर यूज करबी ए सब जिंसा को यूज करबी बिल हमने। तो किछि माइक्रो स्पीसीस गुडा को पई हम यूज करू लेंथ रो यूनिट, किछि माक्रो स्पीसीस पई बा माक्रो स्टडी पई हम यूज करू लेंथ रो यूनिट। तो सबटु फर्स्ट लेंथ रो यूनिट नै कि आसी बिल हमने तमन को पई और लेंथ रो गुडे बहुत सुंदर यूनिट तमन को पखरे नै कि आसी जो कि बिल हमने स्टैंडर्ड प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट हमें लेंथ रो प्रीफिक्स रे बड़े बड़े यही सब यूनिट गुड़ा को यूज करो। से यूनिट गुड़ा कौन तुम मन को कह रखे पिला मैंने ये जनरली तुम मन को गोटे टेबल दिया है ये टेबल को तुम्हें ट्राई कर मन रखा पिला मैंने टेबल को केमती मन रखियो पिला मैंने ये तुम दीटा वे मुझे यूनिट दे गोटे स्मॉल यूनिट आ गोटे दे दूसरी लार्ज यूनिट। ये स्मॉल यूनिट रे तुमने देखी पार फ्रैक्शन रे स्मॉल यूनिट्स रे देखी पार डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेमटो एटो जेप्टो यक्टो अछि ए सब यूनिट गुडा हो जे स्मॉल यूनिट देखि पछो 10 टू द पावर माइनस रे अछि किछि यूनिट। सेमति पिला माने तुम मान करो किछि मल्टीपल यूनिट्स माने किछि बडो बिगर यूनिट माक्रो स्टडी पई तुम माने यूज करो जेमति कि डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा एंड योटा जेता बले तुमने एक्चुअली बेसिक कांसेप्ट पढ़ो केमिस्ट्री सेता बले ई यूनिट कन्वर्जन गुडा पढ़ी थाओ। इटी तुमने देखि पाछ जेंति कि मु डेसीमीटर को जदी जीवी डेसीमीटर टा केते हिजबो 10 टू द पावर माइनस 1 डेसी माने होछ 10 टू द पावर माइनस 1 जदी मु डेसीमीटर कहिबी ताले 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर हिजबो। जदी मु कहू छी 1 डेसीमीटर
जोटा हो 10^-1 मीटर ये यूज कर मीटर टाइम 10 डेसीमीटर हिसाब से 1 मीटर टाइम कौन हो 10 डेसीमीटर सपोज मुझे 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर टाइम माइक्रो वैल्यू के 10^-6 10^-6 मीटर दैट मीन्स मुझे 1 मीटर टाइम 10^6 माइक्रोमीटर बोलिकी आशा कर पॉइंट समस्त क्लीयर हो मीटर माइक्रोमीटर को लेकिन ये तुम ध्यान में देखो ये वैल्यू गुडा मन रखिपार कमी वैल्यू गुडा मन रखिपार किसी नंबर मन रखी ए सीरीज टाक मन रख ए सीरीज को मन रखी सारा किसी नंबर मन रख नंबर कौन ना 1, 2, 3 देन पिला माने 3, 3 इनक्रीज कर 6, 9, 12, 15 देन 18 देन 21 देन 24 एति नंबर को मन रखियो फर्स्ट 1, 2, 3 इनक्रीज हो माने डेसी सेंटी मिली -1, -2, -3 तापरे माइक्रो रे 6 नानो रे 9 पिको रे 12 फेमटो रे 15 एटो रे 18 जेप्टो रे 21 आउ एक्टो रे 24 आशा करछि पॉइंट समस्त क्लियर हो ऊपर भी एक्जाक्टली सेम डेका हेक्टो किलो ए पर्यंत थिला 10^1 10^2 10^3 तापरे मेगा रे आसीगला 10^6 गीगा रे आसीगला 10^9 टेरा रे आसीगला 10^12 पेटा रे आसीगला 10^15 एक्सा रे आसीला 10^18 जेटा रे आसीला 10^21 आउ एटा रे आसीला 10^24 तो ए नंबर गुडा को सिक्वेंस रे मन रखितबो आउ याकू सीरीज रे मन रखितबो ताले जे कि तो माने यूनिट कन्वर्जन या को यूज कर पारिबो तापर नेचुरल जनरली बिला माने किसी जिंस यूज करो जेंते कि मीटर को तो माने सेंटीमीटर रे यूज करो 10^2 सेंटीमीटर हुए 1 एंगस्ट्रम गुटे यूज हुए 1 एंगस्ट्रम को एम्ती मोदे लिखा जाए 1 एंगस्ट्रम दा यूज 10^-10 मीटर एतिक जदी यूनिट मन रखो पे लेंथ रिलेटेड तो मैंने सब किसी क्वेश्चन अटेंड कर मैंने तुमको यूनिट कन्वर्जन को लेकिन आशा कर लेंथ टा समस्त क्लीयर हो किसी तुमको कहली स्मॉल लेंथ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो युवा मन रखी थोड़ा किसी लार्जर लेंथ जमी डेका एक्टा किलो मेगा गीगा ये समस्त मन रखी थोड़ा क्लियर हो लेंथ बहुत जबरदस्त हाँ जाऊँच पे भिडियो तुमको प्रेशर एनर्जी रे बहुत कंफ्यूजन हुए जो थर्मोडायनामिक्स तुमने सॉल्व करो क्वेश्चन जो अप्रोच करो से सब फिजिकल क्वांटिटी रे यूनिट कन्वर्जन को ये कवर करी नेक्स्ट पे टेम्परेचर टेम्परेचर रे मेनली तुमने तीन टाइम यूनिट यूज करो जमी की कौन करो केल्विन जोड़ा कि एब्सोल्यूट स्केल रे बा एसआई यूनिट हिसाब से तुमने यूज करो सेमती डिग्री सेंटीग्रेड सेमती पिला माने तुमने डिग्री फारेनहाइट यूज करो तो सब बेसिक कहूँ सब फर्स्ट कहूँ कौन ना डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन समस्त को जना मत जना सपोज मुझे एक्स डिग्री सेंटीग्रेड एक्स डिग्री सेंटीग्रेड मैंने तुम कौन कह ना एक्स प्लस 273 केल्विन बोली कि नहीं बट एक्चुअल वैल्यू टा होती पिला जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहि 273.15 केल्विन एक्जैक्ट वैल्यू डा 273.15 जदी पिला मने मो एटी कहू छी वाई केल्विन ताले ताकु जदी डिग्री सेंटीग्रेड रे कन्वर्ट करबो ताले वाई -273 कर देबो ताले हमकु डिग्री सेंटीग्रेड रे वैल्यू टा मिलबो आशा कर जे डिग्री सेंटीग्रेड आ डिग्री केल्विन को नेकी जा भी पॉइंट दिला तमनकर क्लियर थिबो ए बेसिक टा तमने जानिछो बट जदी तमनकु डिग्री सेंटीग्रेड गिवन अछि जदि पिला माने तुमको डिग्री सेंटीग्रेड गिवन अछि आ तुमको डिग्री फारेनहाइट दरकार ताले कोन करबा पिला माने देखिबा डिग्री सेंटीग्रेड रो डिग्री फारेनहाइट रो कन्वर्जन तुमको कहू जे डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 एई पॉइंट टा को टिके मन रखितबो एई पॉइंट टा को जदि मन रखो जे पिला माने तुमने को भी क्वेश्चन को डिग्री सेंटीग्रेड रो डिग्री फारेनहाइट को इजीली कन्वर्ट कर परिबो कोन कहली ना डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 सपोज पिला माने तमन को सामने रे मु गुटे क्वेश्चन लिखु छी जोडा के होछि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अछि मो पखरे मु याकु डिग्री फारेनहाइट रे कन्वर्ट करबी केमति कन्वर्ट करबी ना मु जानि छी डिग्री फारेनहाइट ता कोन 9/5 इनटू केते हि जबो 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 याकु जदी कैलकुलेट करबो 55 जा 25 एडियस जी 95 जा 45 प्लस 32 45 प्लस 32 केते आ जाउछ पिला माने तुम पाकरे 77 डिग्री फारेनहाइट हे जाउछ तुमनकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ता एमिति किछि नॉर्मल वैल्यू अछि जोगुडा कि बार बार यूज होबो तुमनक सामने जेंति कि वाटर रो मोडी लिखु छी पिला माने गुडे होछि केल्विन स्केल देखु छ गुडे सेल्सियस स्केल आ गुडे होछि फारेनहाइट स्केल एटा होछि एब्सोल्यूट जीरो माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कथा कहू बा 0 केल्विन सपोज आमे फर्स्ट कहू 0 केल्विन कथा 0 केल्विन टा केते पिला माने -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड -459.67 डिग्री फारेनहाइट सेमती पिला माने जेतो वाटर फ्रीजेस को जाउ वाटर रो फ्रीजिंग पॉइंट को जाउ आमे जान छु वाटर रो फ्रीजिंग पॉइंट होची 0 डिग्री सेंटीग्रेड ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टा पिला माने 273.15 केल्विन
273.15 केल्विन एटी लिखीथिली सेंती 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेबल हमने 32 डिग्री फारेनहाइट ए 9/5 इनटू 0 जदी पुट करबो 32 डिग्री फारेनहाइट आसीबो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ता सेंती पिल हमने वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट को जदी जीवा वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट ता होची 100 डिग्री सेंटीग्रेड ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ता होची पिल हमने 373.15 केल्विन किंबा 212 डिग्री फारेनहाइट आशा करू जे टेंपरेचर को नहीं की जो केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट रो यूनिट यूज होता है कन्वर्जन तुम मन समस्त क्लियर है। नेक्स्ट पिला माने बहुत इंपोर्टेंट कन्वर्जन जोड़ा की वॉल्यूम एनर्जी आउ प्रेशर यही तीन टार कन्वर्जन बहुत डिटेल्स रे कवर करिवा पिला माने तुम मन काम होला पूरा वीडियो को स्टार्टिंग रु नहीं की एंड जाए देखु सहित जो पॉइंट गुडा कहो गुडा को नोट करके रखु था जहा द्वारा तुम बहुत सुंदर नोट गोटे प्रिपेयर हो एंड सुधा। नेक्स्ट पे डिस्कस करवा वॉल्यूम रो यूनिट गुडा वॉल्यूम रो जनरली तुम यूनिट यूज कर कौन लिटर मिलीलीटर सहित पे मीटर क्यू सेंटीमीटर क्यू सहित तुम डेसीमीटर क्यू ये वॉल्यूम गुडा यूज कर तो कन्वर्जन मुझे यूज करी बट पूर्व गोटे छोटो ट्रिक देवी से ट्रिक को मन रखो तुमने समस्त यूनिट कन्वर्जन कर माने सपोज मुझे क्यूबॉइड नीली आउ क्यूबॉइड मुझे कहूँ लेंथ ब्रेथ आउ हाइट फिक्स कर देली लेट यार लेंथ टा होची 1 मीटर ब्रेथ टा होची पिला माने 1 मीटर आउ हाइट टा होची 1 मीटर तले मु कहबी यार जो वॉल्यूम टा दिबो यार वॉल्यूम टा केते हिजबो यार वॉल्यूम टा आसी जबो यार वॉल्यूम हबो पिला माने 1 मीटर इनटू 1 मीटर इनटू 1 मीटर 1 मीटर इनटू 1 मीटर इनटू 1 मीटर टा कोनो ना 1 मीटर क्यूब देखा वाला पिला माने ए जिंसो डरे जते बण हमें वाटर को पैक करले एडी हमें कोन करले ना वाटर रो पैकिंग करले वाटर पैक कला परे एडी देखिले जो वाटर ऑक्युपाई कला एडी वाटर केते ऑक्युपाई कला ना 1000 लीटर वाटर ऑक्युपाई कला सेति पई को जे ट्रिक टा कोन मन रखिबा पिला माने हमें मन रखिबा पानी की टंकी से कोन रो मन रखिबा पानी की टंकी को जदी मन रखुचो ताले तो माने मन रखी पारिबो यार यूनिट कन्वर्जन सब पानी की टंकी माने कोन जते बला लेंथ ब्रेथ हाइट को 1 मीटर रखली एडी 1000 लीटर वाटर रहला ए 1000 लीटर वाटर टा एक्चुअली कोन 1000 लीटर वाटर टा होची तारा वॉल्यूम टा ता माने मु एडी कोन कहि पारबी फर्स्ट यूनिट ही कहू जे तुमन को फर्स्ट यूनिट बहुत इंपोर्टेंट एडा को तुम माने यूज करकी सब किछ रो डेरिवेशन करि पारबो कोन कहू छे ना ए जो 1 मीटर क्यू थिला ए 1 मीटर क्यू टा कोन होला 1000 लीटर होला और सिंपली एमती कहि परबे पिला माने ना 1 मीटर क्यूब टा होची 10 टू द पावर 3 लीटर और कोन कहि परबे पिला माने ना 1 लीटर टा होची 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब आशा कर जी फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन डा समस्तंकर क्लियर हे गला कोन कहली ना 1 लीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब एटा जदी समस्तंकर क्लियर हे गला बे बाकी गुडा त माने इजीली डिराइव करि परबो केमिति देखो कहू जी आमे जानचो कोन पिला माने ना 1 मीटर टा होची 100 सेंटीमीटर और 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर जदी मु बोथ साइड रे होल क्यू नउ छी ताले 1 मीटर रा होल क्यू टा कोन हिजबो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर रा होल क्यू दैट इंप्लाइज कोन ना 1 मीटर क्यू को मु लिखि परबी कोन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यू ए फार्मूला रे बे पुट कर दियो पिला माने ना 1 लीटर टा कोन हिजबो 10 टू द पावर -3 इनटू 1 मीटर क्यू ए 1 मीटर क्यू जगह रे मु लिखि परबी इनटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यू जोटा की का सहित इक्वल हे जेबो ना 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यू आशा करू छी पॉइंट ता समस्तंकर क्लियर हे जेतबो कोन कहली ना 1 लीटर टा का सहित इक्वल हे गला एडी 1 लीटर टा इक्वल हे गला 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यू ई फार्मूला टा कोठी नोट करके रखो तापर मूव करबा आउ किछ यूनिट को आउ किछ यूनिट जेमती की कोन ना सपोज मु कहू छी 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर टा हमें कोन लिखि दिले 10 टू द पावर -1 मीटर 10 टू द पावर -1 मीटर और मु कोन कहि परबी ना 1 मीटर टा हो जाउ छी 10 डेसीमीटर ता माने मु कोन कहि परबी 1 मीटर क्यूब टा कोन हो जइबो 1 मीटर क्यूब टा हो जइबो 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब बोथ साइड रो होल क्यू नि गेली अगेन ए 1 मीटर क्यूब को एटी पुट कर दवा हमें जानि छु कोन ना 1 लीटर टा हो छी 10 टू द पावर -3 इनटू 1 मीटर क्यूब ए 1 मीटर क्यू जगह रे बे कोन पुट कर देबी 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यू तले मु कहि परबी 10 टू द पावर -3 इनटू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यू कैंसिल आउट हे जइबो तो मु कहि परबी कोन ना 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यू नेक्स्ट फार्मूला तमन को सामने आसी गला कोन ना 1 मीटर क्यू डा हे गला हमर कोन 1 डेसीमीटर क्यू सहित इक्वल हे गला 1 मीटर क्यूब मन कर 1 लीटर टा हमर का सहित इक्वल हे गला 1 डेसीमीटर क्यूब सहित इक्वल हे गला आशा करू छी पॉइंट समस्त क्लियर हे जइतबो। नेक्स्ट पिला माने हमें आउ गोटे सुंदर यूनिट जानि छो लीटर मिलीलीटर रो बेसिक छोटो बुळ पढ़ी आसो ना 1 लीटर टा होय कोन 10 टू द पावर 3 ml याकु मध्ये मन रखितबो 1 लीटर टा कोन हिजबो 10 टू द पावर 3 ml
आउ कौन जानिछ पिला माने तुमने जानिछ ई एमएल को तुमने सेंटीमीटर क्यूब रे मध्य कन्वर्ट करि परबो केमती कन्वर्ट करि परबो देखो आमी जानिछ कोन ना 1 लीटर ता होउछि 10 टू दी पावर 3 एमएल यदि सेंटीमीटर क्यूब रे हम कन्वर्ट करबा सेंटीमीटर क्यूब रे कन्वर्ट करबा ले 1 लीटर ता कोन हिजबो 10 टू दी पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब दैट मींस ए दी जण को मु इट इक्वल करि परबी कि यदि इक्वल कर देली ताले मु कहिबी कोन ना 1 एमएल ता हि जाउछि मोर 1 सेंटीमीटर क्यूब सहित इक्वल 1 ml टा कास तो इक्वल हिजबो 1 सेंटीमीटर क्यूब सहित इक्वल हिजबो 1 ml टा आशा करछु ए यूनिट कन्वर्जन टा मध्ये समस्तंकर क्लियर हिजइतबो वॉल्यूम को नेकी जदी एति की यूनिट मन रखि दोजो ताले इजीली तो माने क्वेश्चन देया को यूज करि परबो सब गुडा रा समरी लास्ट रे दे दीची ए समरी टा को मध्ये मन रखिबो ए समरी टा कोन कहउछि बिला माने देखो ना 1 लीटर टा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हिजबो 1 लीटर टा 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हिजबो 1 डेसीमीटर क्यूब हिजबो किबा 10 टू द पावर 3 एमएल हिजबो ए यूनिट कन्वर्जन टा को तुमने यूज करि परबो पिला माने ए डेरिवेशन गुडा जदी मन रखिजो तुमने जदी किछि भी भूली जाउ छ क्वेश्चन सॉल्व कला बळे ताले मध्ये एंती कन्वर्ट करि परबो सेइटा ही तुमनकर मु बेसिक सिखेबा पई तुमनको ए कन्वर्जन गुडा करौछि आशा करछि वॉल्यूम समस्तंकर क्लियर हेगला नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट जोटा के होची प्रेशर रो यूनिट आ प्रेशर रो यूनिट ता को तुम थर्मोडायनामिक्स रे बार बार यूज करिवो पिला माने तो नेक्स्ट यूनिट को हम मुख कहबा नेक्स्ट यूनिट होची तुम मान को पकर होची यूनिट्स ऑफ प्रेशर आ यूनिट ऑफ प्रेशर तो माने मेनली बहुत गुडे यूनिट देखो कोन कोन जेंति कि फर्स्ट तुम मान को कहूची न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल एटमॉस्फेयर बार टोर एमएमएचजी सेंटीमीटर ऑफ एचजी ए सब यूनिट गुडा को कन्वर्जन को बहुत सुंदर भाबरे कहबी पिला माने ता पूर्व रो कहि रखु छी पिला माने तुम मान को ना फर्स्ट जानो प्रेशर माने कोन फिजिक्स रे जितेबा तुम पढो पिला माने प्रेशर टा होय कोन ना फोर्स अपॉन एरिया फोर्स टा जानतो कोन न्यूटन एरिया टा कोन ना मीटर स्क्वायर तो बेसिक यूनिट गुटे यूज करिवो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ ई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हमें कोन कहूजु पास्कल बोली की कहूजु कोन बोली की कहूजु पास्कल बोली की कहूजु न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टा होचा हमरो पास्कल तो पिला माने गुटे बेसिक यूनिट टे मन रखिबो खाली 1 atm रो वैल्यू टा ए 1 atm माने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इटा एक्चुअली मर्क्यूरी को नेकी स्टडी कराइतला ओशियन रो लेवल रे नेकी प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी फार्मूला को नेकी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो वैल्यू बाहर कराइतला ए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो वैल्यू टा केमती मन रखिबो गुटे नंबर टे मन रखिबो नंबर टा कोन 101325 मन रखि परिबो 101325 ए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो वैल्यू टा थिला एतिकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एतिकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जोटा को मु कोन कहि परिबी ना 101325 कोन कहि परिबी पास्कल बोली की कहि परिबी पास्कल बोली की कहि परिबी जदी मु कहू छी पिला माने 1 किलो पास्कल 1 किलो पास्कल डके ते हिजबो 10 टू द पावर 3 पास्कल हिजबो बट 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलो पास्कल बोली की कहि परिबी मु पास्कल को जदी किलो पास्कल रे कन्वर्ट करबी डिवाइडेड बाय 1000 कर देबी डिवाइडेड बाय 1000 माने कोन 101.325 किलो पास्कल आसी जीवो आशा करछि पॉइंट समस्तंकर क्लियर हो जीवो किंबा याको एमति लिखि परि पिला माने 1.01325 इनटू 10 टू द पावर 5 ए वैल्यू को देखो ए वैल्यू रे मु कोन कली इनटू 10 टू द पावर 5 कली पांचटा नंबर आगो को डेसिमल नै आसीली एति की पास्कल हि जीवो ए वैल्यू टा कोन पई लिखली ए वैल्यू टा लिखिया पछर रीजन थिला पिला माने रीजन कोन ना 1 बार टा होय एक्चुअली 10 टू द पावर 5 पास्कल क्लियर हो गेला 1 बार टा कोन 10 टू द पावर 5 पास्कल तो ई 10 टू द पावर 5 पास्कल जगह रे मु कोन लिखि परबी 1 बार बोली कि लिखि परबी 1 बार लिखि परबी त माने एटा को जदी मु बार रे कन्वर्ट कर देबी बार रे कन्वर्ट करले कोन आस जीवो ना 1.01325 बार आसी जीवो आशा करू छी पॉइंट समस्तंकर क्लियर हो गेला याको हमें आउ कोन लिखि परबा ए जो 1 एटमॉस्फेयर टा आछी पिला माने एटा एक्चुअली पिला माने 760 टोर सहित इक्वल वे ए टोर यूनिट गुडा को तुम माने यूज करो जनरली फिजिक्स रे किंबा 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी मिलीमीटर ऑफ एचजी रे यूज करि परिबो किंबा 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी एटी यूज करि परिबो आशा करची प्रेशर को नेकी जो यूनिट कन्वर्जन गुडा दिला याको इजीली क्लियर करि परिबो इट बेसी इंपोर्टेंट पिला माने जो पास्कल सहित कंपेयर करलो आ बार सहित कंपेयर करलो आ पास्कल आ बार रो जो कन्वर्जन आछी ताको मन रखिबो हेले तुम माने इजीली प्रेशर रो सब यूनिट कन्वर्जन को करि परिबो इट जेंति कि तुमन को लास्ट रे मु समरी दे दे छी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो वैल्यूटा याको लास्ट रे तुम माने नोट डाउन करके रखो पिला माने देखि पाछो इट वैल्यूटा कोन ना 1 एटमॉस्फेयर रो वैल्यूटा लिखाइ छी 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 101325 पास्कल 101.325 किलो पास्कल 1.01325 बार 760 टोर 760 mm ऑफ एचजी 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी
एतिक जदि मन रखुछ ताले प्रेशर रो सबु किछि यूनिट कन्वर्जन करि परिबो आ याकु केमिति मन रखिबो बस खाली गोटे नंबर मन रखिबो गोटे नंबर टा का 101325 एतिक मन रखुछ होले बाकी सबु कन्वर्जन को तुम्हारे निजे करि परिबो लास्ट आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन जोटा कि होछि वर्क डन आ एनर्जी भितरे आ ई वर्क डन आ एनर्जी को तुम्हारे बार बार यूज करिबो को हमने थर्मोडायनामिक्स रे केते बेला यूज करो थर्मोडायनामिक्स रे जनरली तुम्हारे जानछो गैस मॉलिक्यूल रो जतवा थर्मोकेमिस्ट्री बा थर्मोडायनामिक्स तुमने स्टडी करो सेटी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पड़ो आमे जो वर्क डन ता पढ़ी जाऊ फिजिक्स रे सेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है बट एटी जो वर्क डन ता पढ़ी सेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन तो पूरा डिटेल्स रे कोई भी यूनिट कन्वर्जन को वीडियो को स्टार्टिंग नु लेके जाय देखू तो जो पॉइंट गुडा कहू छी ताको नोट डाउन करके रखू ता तो पिला हम जदी हमें मूव करबा यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन ताले यूनिट्स ऑफ एनर्जी और वर्क डन रे तुमने मेनली पढ़िबो न्यूटन मीटर यूनिट जूल यूनिट आर यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट लीटर बार यूनिट मेनली तुमको एनर्जी को ता जदि कहबी एनर्जी रे पिला माने तुमने फिजिक्स रे दीटा टाइप रो एनर्जी पढ़ो मेनली गुटे होची काइनेटिक एनर्जी जार फार्मूला का हाफ एम वी स्क्वायर आ गुटे होची पोटेंशियल एनर्जी जार फार्मूला होची एम जी एच तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को कि पोटेंशियल एनर्जी को जदि तुमने एसआई सिस्टम रे यूनिट देखिबो ताले आसीबो कोनो ना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जोडा को तुमने कोनो को ना जूल बोली कि को आ जदि तुमने सीजीएस सिस्टम रे देखिबो ताले ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आसीबो जोडा को तुमने कोन कहउछो अर्ग बोली कि कहउछो अर्ग बोली कि कहउछो अब बेसिक तुमने फिजिक्स रे एटा पढतो ना 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग इजीली याकु कन्वर्ट मध्ये करि परिबो केमिति कन्वर्ट करि परिबो देखो बहुत सिंपल कहउछि 1 जूल टा होउछि कोन जदि तुमने एडी फार्मूला नउछो कोन ना वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एटा नै कि तुमने सॉल्व करउछो ताले भी करि परिबो 1 जूल टा कोन पिला माने 1 केजी इनटू 1 किमा एमती कहि परिबा पिला माने 1 केजी इनटू चलो ई सिंपल फार्मूला रे पुट करबा 1 केजी इनटू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एटा लिखि देबी 1 केजी टा कोन पिला माने 10 टू द पावर 3 ग्राम 1 मीटर स्क्वायर को कोन लिखि परिबी 1 मीटर टा होजी 100 सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर रो होल स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखि परिबी जदी वैल्यू कैलकुलेट करबो एटा होजी 10 टू द पावर 3 ग्राम इनटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 3 केता होला 10 टू द पावर 7 ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एटा कोन थिला बे जस्ट देखि दिले अर्ग थिला त माने 10 टू द पावर 7 अर्ग हिजो ए यूनिट जूल आउ अर्ग रो बेसिक यूनिट कन्वर्जन एटा जानछो एटा का पई वर्क डन पई सेमति त माने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पई भी कहि परिबो ना एनर्जी रो जो यूनिट ता होची जूल आउ अर्ग छ एबे तमन को गुटे सिंपल फार्मूला टे कहू छी बिला माने आमे जदी एनर्जी देखिबा सपोज मु प्रेशर इनटू वॉल्यूम करू छी प्रेशर टा कोन थिला फोर्स अपॉन एरिया थिला वॉल्यूम टा कोन थिला पिला माने वॉल्यूम टा होच हमरो लेंथ रो क्यू माने एरिया इनटू लेंथ गोटे कोच एरिया इनटू लेंथ कोच ए एरिया ओ एरिया को कैंसिल कर देली एटा फोर्स इनटू लेंथ हे गला फोर्स टा को जदी न्यूटन नेली लेंथ टा को जदी मीटर नेली तले एटा न्यूटन इनटू मीटर टा कोन हे जबो पिला माने एमती भी लिखि परबी एटा होजी मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू गोटे डिस्टेंस आसी गला मास टा कोन होला केजी एक्सीलरेशन टा हे गला पिला माने मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ एटा होजी कोन ना मीटर मीटर टा होजी आ गोटे मीटर त माने यूनिट टा कोन आसी गला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो पिला माने इंपोर्टेंट कोन इंपोर्टेंट एटी एटा की जो तुमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन टा एटी कैलकुलेट करले ई प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन टा भी कोन हे गला ई प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन टा भी अमन को कोन देला ना एनर्जी रो गुडे टर्म देला आ ई एनर्जी टर्म को मन रखिवा निहाति दरकार कोन पई कहू छी तुमने जेते बला थर्मोडायनामिक्स रे क्वेश्चन सॉल्व करिवो ई क्वेश्चन सॉल्व गला बले प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन टा को ही स्टडी करता का को स्टडी करता प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन टा कोन पई ना प्रेशर इनटू वॉल्यूम को लापर जो यूनिट टा मिलुची ई यूनिट टा तुमन को एडी एनर्जी रही किंबा वर्क डन रही यूनिट टा ही मिलुची तो सेति पई प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को हमें स्टडी करता पीवी वर्क डन को स्टडी करू कोडी थर्मोडायनामिक्स आशा करू बेसिक पॉइंट समस्त क्लियर हो गला जदि क्लियर हो गला पिला माने तुमको जदि कांसेप्ट बहुत भल लागे ताले तुमने कमेंट सेक्शन में गोटे जय जगन्नाथ कमेंट करके रख जहाँ मत मोटिवेट मिले कि जो कंटेंट दूँ बहुत सुंदर कंटेंट तुमको हेल्प करुच्छे तुम्हारे प्रिपेरेसन नेक्स्ट पे आउ गए पॉइंट डिस्कस करी जो लिटर एटमोसफेयर और लिटर बार यहाँ बहुत बेस यूज हम तुम्हारे थर्मोडायनामिक्स कौन 1 लिटर बार मान देख मु 1 लिटर बार को लिखी पारि 1 लिटर इंटू 1 बार 1 लीटर इनटू 1 बार जदि आपको देखि वोइडी यूनिट जो यूज हिजी से यूनिट कहार कहार यूज हिजी देखि पारि वोइडी यूनिट इज होची लीटर टा होची वॉल्यूम रो यूनिट और बार टा होची प्रेशर रो यूनिट एबे जस्ट कहितली प्रेशर इनटू वॉल्यूम टा हमर वर्क डन सहित इक्वल हिजबो त माने एटा भी गुटे वर्क किबा एनर्जी रो यूनिट तो याको हमें कन्वर्ट करबा कोतरे हमें याको कन्वर्ट करबा जूल रे जदि जूल रे कन्वर्ट कर दोचो से कन्वर्जन टा मन रखुचो ताले तुमनकर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हिजबो तो 1 लीटर जगह रे हम लिखि पारिबी 1 लीटर जगह रे कोन लिखि पारिबी 10 टू द पावर
-3 meter cube लिखी पारी। 1 liter जगह रे कौन लिखी पारी 10^-3 meter cube ऐसे जस्ट ये conversion टा पढ़ी थी। into 1 bar जगह रे कौन लिखी पारी 10^1 bar जगह रे कौन लिखी पारी 10^5 pascal। अब हमें जान चु pascal टा कहाँ से तो equal है newton per meter square से तो equal है। तो मुझे ये लिखूँ जी कौनो ना 10^-3 meter cube into 10^5 newton per meter square। ये जो दी cancel करी वो ताले कौन आस्ती बिलाऊँ 10^-3 × 10^5 आसी गला 10^2 इंपोर्टेंट कोनो एडी मीटर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर अछि एडी मीटर क्यू अछि त माने एटा न्यूटन इनटू मीटर हि जबो आमे जानछु न्यूटन इनटू मीटर टा कोन होए जूल होए त माने 1 लीटर बार टा कोन हि जबो 100 जूल सहित इक्वल हि जबो एडी लिखु छी 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल ए यूनिट कन्वर्जन दा एते बेसी यूज होबो पिला माने तमन कर थर्मोडायनामिक्स रे जत्ते बेर आमी तमन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ रो क्वेश्चन सॉल्व करबो सेते बेर तमन कर ए यूनिट टा यूज होबो कोन ना 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल आशा करू छी ए पॉइंट समस्त मन रखी परबो। नेक्स्ट पिला माने आउ गुटे यूनिट कन्वर्जन एडी यूज होबो जूल रे जोटा को आमी कन्वर्ट करबा कोन ना 1 लीटर एटमॉस्फेयर टा 1 लीटर एटमॉस्फेयर को जदी देखिबा पिला माने 1 लीटर एटमॉस्फेयर को अगेन मु लिखि परबे कोन ना 1 लीटर इनटू 1 एटमॉस्फेयर आ 1 एटमॉस्फेयर रो वैल्यू जान छी मु तमन को एबे जस्ट कहितली 1 एटमॉस्फेयर रो वैल्यू टा 1 एटीएम रो वैल्यू टा कोन दिला पिला माने 1 एटमॉस्फेयरिक प्रेशर रो 1 एटमॉस्फेयरिक प्रेशर रो वैल्यू दिला 101.325 1 एटीएम रो वैल्यू दिला कोन 1 एटीएम रो वैल्यू दिला 101.325 कोन आस्तला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को यूज करबी सेति पई याकू लिखु छी तो याकू कोन लिखि परबी 1 लीटर को अगेन 10^-3 मीटर क्यूब इनटू 101.325 कोन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगेन सेम जिंस आसी जबो 10^-3 डिवाइडेड बाय 10^3 कर दियो 101.325 न्यूटन मीटर आसी जबो ई न्यूटन मीटर टा कोन जूल आसीबो अगेन तो मन को कहू छी 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कोन आसीला 101.3 ए वैल्यू टा को मन रखियो पूरा कोन आसी जबो जूल सहित इक्वल हि जबो आशा कर छी ई जो यूनिट कन्वर्जन टा कहली एनर्जी को नहीं कि या को तुमने बहुत भल रे यूज कर परबो आ सिखि जाइतबो केमिति यूज करिवार होछि कोन ना 101.3 जूल कोन ना 1 लीटर एटमॉस्फेयर टा ता पर पिल माने आ गुटे यूनिट तुमने यूज करो जोटा कि होछि एटॉमिक स्ट्रक्चर रे किवा फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी रे यूज करिवो ए यूनिट टा होछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेनली एनर्जी तुमने यूज करिवो कोडी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर रे आ ए एटॉमिक स्ट्रक्चर रे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुमने कन्वर्ट करिवो कोतरे जूल्स रे जदी ताले इटा आसी जीवो 1.602 × 10^-19 जूल सेंदी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जदी किलो जूल पर मोल रे कन्वर्ट करिवो 96.5 किलो जूल पर मोल आसीबो आ जदी किलो कैलोरी पर मोल रे कन्वर्ट करिवो ताले 23.06 किलो कैलोरी पर मोल आसीबो एनर्जी वर्क डन रो कन्वर्जन टा आशा करू समस्तंकर क्लियर हे जाइथबो। नेक्स्ट पिला माने लास्ट पार्ट को मु करछि लास्ट के यूनिवर्सल कांस्टेंट होछि ता सहित पिला माने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी रे एनर्जी को तुम माने सेंटीमीटर इनवर्स रे कन्वर्ट करि परिबो एनर्जी को तुम माने सेकंड इनवर्स रे कन्वर्ट करि केमती करिबो ताकु मध्य कहि रखिबे सेति पय पिला माने वीडियो टी को एंड जाय देखु ता आ पॉइंट गुडा को नोट डाउन करिके रखु ता। नेक्स्ट पिला माने तुम मान को कहिबे कोनो ना किछि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जेंति कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तुम माने जानछो आर ए आर एटा को तुम माने बहुत गुडे पार्ट रे यूज करो जेंति कि गैसियस स्टेट जेते बडा पडछो गैस कांस्टेंट कहछो सॉल्यूशन चैप्टर पडछो सॉल्यूशन रे लिक्विड कांस्टेंट बोली कि कहछो यार वैल्यू गुडा को मन रखिबा यार वैल्यू गुडा कोन कोन छि पिला माने देखिबा ठीक यार वैल्यू गुडा छि पिला माने सबटु फर्स्ट जोटा कि गैसियस स्टेट रे तुम माने यूज करबो सी वैल्यू टा आउछि कोनो ना आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आशा करछी पॉइंट समस्तक क्लियर हो जेतो जूल पर केल्विन पर मोल। लिक्विड सॉल्यूशन में तुमने जनरली यूज करबा को पाइबो एटा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स सेमति पिला माने जदी लीटर बार रे चाहौ छ ताले 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स याको यूज कर परियो जदी कैलोरी रे चाहौ छ ताले 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जदी तुमने किलो पास्कल रे चाहौ छ ताले 8.314 किलो पास्कल लीटर इन लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स याको यूज कर परबो। तबरे वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एक प्लैंक्स कांस्टेंट को तुम माने यूज करो यार वैल्यू टा कोन 6.626 × 10^-34 जूल सेकंड याको यूज करो तुम माने प्लैंक्स कांस्टेंट को। नेक्स्ट पिला माने एवोगाड्रोस नंबर मोल कांसेप्ट रे बहुत बेसी यूज होबो एवोगाड्रोस नंबर टा कोन पिला माने ना माने तुम माने मोल रो यूनिट पई याको यूज करो मोल रो वैल्यू पई जारो वैल्यू टा कोन पिला माने 6.022 × 10^23 यार वैल्यू टा होची स्पीड ऑफ लाइट समस्त को जणा आछी सिंपल सी द्वारा याकू डिनोट करा जाय आ वैल्यू होची 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड और तुम माने कहि परबो 3 × 10^10 सेंटीमीटर पर सेकंड
याको यूज करी परबो पिला माने स्पीड ऑफ लाइट को नेक्स्ट पिला माने यूनिट कन्वर्जन इन फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी रे जोटा त माने यूनिट कन्वर्जन यूज करबो सेठी एनर्जी को त माने वेवलेंथ टर्म रे कन्वर्ट करो एनर्जी को त माने फ्रीक्वेंसी टर्म रे कन्वर्ट करो तो फर्स्ट के बेसिक आईडिया दूजी एनर्जी रो रिलेशन गुडा पुनी एनर्जी जानते हो तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी सहित आउ जते बेले तुम्हारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ो एडी एनर्जी इज इक्वल टू कोन इज एच न्यू हो जाए आउ तुम्हारे जानते हो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा केमती आसी बेले माने आउ गुट आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन जानते हो ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर ई इज इक्वल टू कोन ना एमसी स्क्वायर तो पिला माने जदी एमसी स्क्वायर को इक्वल कर देलो एच न्यू सहित आउ ई न्यू इज इक्वल टू कोन लिखि देले हमें न्यू इज इक्वल टू लिखि देले सी अपॉन लैम्डा तले गुटे सी एटी कैंसिल हे गला एटी हमें कहतले लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एमसी और एच बाय एमबी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एमबी जोडा को त माने डी ब्रोगलेस इक्वेशन बोलि कि को ए रिलेशन गुडा गुडे कंक्लूजन लिखु जी ना एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तुम्हारो वेव नंबर एडा होली फ्रीक्वेंसी एडा होची वेव नंबर वेवलेंथ एटा होची वेव नंबर तो पिला माने ई वेव नंबर टा कोन था एक्चुअली वेव नंबर टा था पिला माने 1 बाय लैम्डा लेट्स सी प्रोकल ऑफ वेवलेंथ जदी वेवलेंथ का तमन कर सेंटीमीटर रहला ताले फ्रीक्वेंसी टा वेव नंबर टा कोन हिजबो सेंटीमीटर इनवर्स हिजबो तो एही सब पूरा कन्वर्जन माने एनर्जी को वेवलेंथ टर्म रे एनर्जी को फ्रीक्वेंसी टर्म रे एनर्जी को कन्वर्ट करि परबी मु तो कन्वर्जन करि परबी बाय गुटे बहुत सिंपल तमन को गुटे ट्रिक टे बतै छी एही ट्रिक टा को तमन ट्राई करबो क्लियर हो पाई ई ट्रिक टा कोन पिला माने देखिबा दिया को जदि पिला माने मते एनर्जी रो कन्वर्जन करिवार अछि को कोतरे मु कन्वर्ट करि परबी ताको ठीक ध्यान रखिबो को कोतरे कन्वर्ट करि परबी ता काई कहू छी इडी मु तीनटा जिंस लिखि छी गुटे लिखि छी जूल आ गुटे लिखि छी पिला माने सेकंड इनवर्स आ गुटे लिखि छी पिला माने सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स जदि पिला माने मते जूल रे वैल्यू टा गिवन अछि आ मते सेंटीमीटर इनवर्स को आसीबार अछि जूल रे गिवन अछि सेंटीमीटर इनवर्स को आसीबार अछि ताले मु एचसी डिवाइड कर देबी कोन कर देबी एचसी एच टा होची प्लैंक्स कांस्टेंट सी टा होची वेलोसिटी ऑफ लाइट एटा होची वेलोसिटी ऑफ लाइट ता सहित एटा होची कोन ना प्लैंक्स कांस्टेंट ए दिटा को मु डिवाइड कर देबी उल्टा जदी सेंटीमीटर इनवर्स को जूल रे कन्वर्ट करबी ताले मल्टीप्लाई करबी एचसी मु चाहो छी पिला माने ए जिंस गुडा त माने पेपर कॉपी रे नेकी नोट डाउन करके रखो जदी मने न रहू छी जोडी पढू छ से वर्ल्ड रे पिला माने ए यूनिट कन्वर्जन गुडा को लगे की चिपके दियो जादा त माने ताको बार-बार देखि बोले केबे भी फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल भूल करबोनी एटा दिला सेंटीमीटर इनवर्स रो जूल जूल रो सेंटीमीटर इनवर्स जदी जूल को पिला माने मु सेकंड इनवर्स रे कन्वर्ट करबी ताले डिवाइड करबी प्लैंक्स कांस्टेंट उल्टा सेकंड इनवर्स को जूल रे कन्वर्ट करबी मल्टीप्लाई करबी प्लैंक्स कांस्टेंट जदि मु सेंटीमीटर इनवर्स को सेकंड इनवर्स रे कन्वर्ट करबी ताले मल्टीप्लाई करबी वेलोसिटी ऑफ लाइट जदि सेकंड इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स रे कन्वर्ट करबी ताले डिवाइड करबी वेलोसिटी ऑफ लाइट जोडा के होची सी आशा करू छी एति की यूनिट कन्वर्जन जदि तुम माने पढ़ी दउ छौ डिटेल्स रे को रिवाइज करके मन रखी दउ छौ फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल रे बिल्कुल भी प्रॉब्लम होबनी जदि पिला माने वीडियो टी भल लागिला वीडियो टी को लाइक करो चैनल रे जो माने अछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ता सहित कह रखू छी पिला माने तमन कर फ्रेंड मान को जदि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्व करि बारे प्रॉब्लम होउची ताले ए यूनिट कन्वर्जन जदि क्लियर होनी ताले तमन कर फ्रेंड मान को सहित मते शेयर करो वीडियो टी को स्टार्टिंग रु नेकी एंड जाय देखि तोर तमन को बहुत बहुत धन्यवाद जय जय।